बायोपाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग हाई लेवल टास्क फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम अब पाइथॉन के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है बायोपाइथन विच इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर परफॉर्मिंग बायोलॉजिकली रिलेटेड फंक्शन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बायोपाइथन बायोपाइथन क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं इस मॉड्यूल में हम इन चीज़ पर डिस्कस करेंगे और इसके कौन से पैकेजेज हैं जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं नंबर वन टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पर मैंने सिंपल पाइथान डॉट ओ आर जी का एक लिंक दिया है जिस पर आप जाएंगे वहाँ पर डाउनलोड्स के वर्जन अवेलेबल हैं और उसमें कैसे डिस्टिंगशन है कि विंडोज़ के लिए अलग है लाइनस के अलग है तो यहाँ से आप पाइथान को डाउनलोड करेंगे और सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे यूजिंग वेरी वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन या कमांड्स से इसी तरह आप इंस्टॉल आइडियली करेंगे ये सिम आइडियली क्या है हमारे पास सिंपल एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जैसे मैंने एक मॉड्यूल में बताया था कि पाइथोन के लिए कॉमन सा जो आइडिया हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली ई मैक्स ई मैक्स को भी यूज़ करते हुए आप पाइथन के कमांड्स को लिख सकते हैं और रन और कंपाइल करके देख सकते हैं अच्छा अब बायो बायो पाइथन जो है इस ये कुछ और अदर पैकेजेस पे भी लाया करता है फॉर एग्ज़ाम्पल वन कॉमन पैकेज इज नम्टी पैकेज नमटी पैकेज जो है वो पाइथन का एक पैकेज है दैट इज़ यूज फॉर नूमेरिकल वैल्यू टाइप डाटा कि ऐसा डाटा जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएँ कम्पटिशन आती हों या डिफरेंट फंक्शन हों उनको अगर आप डील करना चाहते हो तो आप नमटी पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो सिमिलरली वी हैव मैट प्लॉट लाइब्रेरी मैट प्लॉट लाइब्रेरी बेसिकली क्या है कि जब आप ग्राफ्स को या ट्रीज़ को प्लांट करना चाहते हैं प्लॉट करना चाहते हो ग्राफ्स बनाना चाहते हो तो तब आपको ये लाइब्रेरी चाहिए और इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल कब है जब आप फाइलोजेनेटिक्स ट्रीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं देन वी हैव बायोपाइथॉन इट सेल्फ के बायोपाथॉन को खुद भी आप इंस्टॉल करेंगे फॉर वर्किंग फॉर बायोलॉजिकल डाटा नो वट इज बायोपाइथॉन सिंपल हम ये डिफाइन करेंगे कि इट इज बेसिकली आर लाइब्रेरी ऑफ पाइथॉन विच इज यूज फॉर परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल डाटा रिलेटेड टास्क और इसमें हम कर क्या रहे हैं इट इज एन एक्सटेंशन आर लाइब्रेरी ऑफ पाइथॉन इट सेल्फ जिसके अंदर वो फंक्शन मौजूद हैं जो हमें बायोलॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं नो वट आर डिफरेंट फीचर्स जब फीचर्स की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट टास्क ऑफ बायोलॉजिकल डाटा टू हैवी टास्क ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डोमेन हर किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है अब इससे क्या मुराद है फॉर एग्जाम्पल बायोपाइथॉन हैज मैथड्स फॉर रीडिंग ऑफ सीक्वेंसिस सेंट्रल डॉगमा प्रॉब्लम सीक्वेंस अलाइनमेंट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इवन ड्रग डिस्कवरी मॉलिक्यूल्स तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिच लाइब्रेरी और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं दैट इट कैन रीड ब्लास्ट फास्टा जेन बैंक यानी कि जेन बैंक को फास्टा को ब्लास्ट को फार्मेट्स को डाटा बैंक को इन्हें अंडरस्टैंड करने में इन्हें रीड करने में राइट करने में इन्हें एक्सप्लोर करने में और फिर इन डिफरेंट फार्मेट्स को अंडरस्टैंड करने में बायोपाइथन हेल्प करती है देन वट आर डिफरेंट फीचर्स एंड इसमें सीक्वेंस और अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट इट है फिर इनपुट आउटपुट का ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट है देन वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज एन ब्लास्ट की एक्सटर्नल प्रोग्राम्स एंड सोन सो इट इज़ वेरी वेरी रिच लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर बैनफोमेटिक्स एरिया एंड फाइनली इट ऑल्सो स्पोर्ट्स फाइलोजेनेटिक्स फाइलोजेनेटिक्स कैसे क्योंकि उसमें मल्टीपल सिक्वेंसेज होते हैं तो उनको फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ की बिल्डिंग में हेल्प करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वर्क्स विथ प्रोटीन डाटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो विच इज इन विच आर बेसिकली इन द थ्री डी मॉडलिंग फेजिज कि उनके स्ट्रक्चर्स को उनके फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें भी ये हमें हेल्प करते हैं